गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो दिस इज़ डे 4। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम ओशिया से सीधा जोधपुर आ गए थे, और अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कि हम कोई फोर्ट वगैरह विजिट करें। सो बाइक रेंट करने का हम सोच रहे हैं, लेट्स सी। सो हमने यहाँ से सीधा रिक्शा ही कर ली, क्योंकि कितना मांग रहा था, 2000। हमें एक्टिवा का 2000 मांग रहा था। मुंबई से आया मतलब क्या इतना मिलेगा वो? और बुलेट का तो 4000। बुलेट का 4000, हम गाड़ी ना कर ले। अभी हम यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं? कौन सा उमेद भवन पैलेस है, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जा रहे हैं। जोधपुर में आओ तो आना इधर ज़रूर। अंकल जी का नंबर ले लो, अंकल जी का, अंकल जी का नंबर डाल दूंगा मैं, काफ़ी सस्ते में छोड़ रहे हैं हमें। अंकल जी वो क्या जगह सामने? पानी का टैंक है, एयरपोर्ट है गाइस वहाँ पे। यहाँ पे हम अब पहुँच चुके हैं उमेद भवन पैलेस। भैया जी स्माइल कर दो, हाय कर दो इनको, बोलो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बोलो सब्सक्राइब कर दो। ऑटो वाले भैया का मान रख लेना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। अंदर 60 रुपये की टिकट है। तीन डन। अगर आपने हमारी पहले वाली व्लॉग सीरीज नहीं देखी है, राजस्थान सीरीज, तो पहले वो देख लो। आर्किटेक्चरिंग बहुत सही हुई है यहाँ की। पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। आपको एक यूनिक चीज़ दिखा दो, यहाँ पे पंखे दो डंडी वाले होते हैं। आप यहाँ पे सब पॉज करके पढ़ सकते हो। इस पैलेस का फर्नीचर है भाई मैपल्स एंड कंपनी, जो लंदन से लाया गया सारा। ये ऐसे बन रहा था और ये अच्छा ऐसे हंटिंग करते हैं साथ में, लेके घूमते थे क्या? हाँ ये जो नीचे फोटो दिखा रहा है सब उसे खिलाते थे। ये देखिए इनको भी बहुत शौक था हंटिंग का, क्या हंटिंग का बहुत शौक था। इसे खुला में और ये उमेश सिंह जी है, ये जो है ना दोनों देख रहे हैं पड़ी है ओरिजिनल बॉडी है, छोटा लगा के फिर ये पूरा हाथ से स्टिच किया हुआ है, बॉडी है ओरिजिनल बट सब ये है ओरिजिनल, अंदर वाला माल नहीं है, अंदर वाला चेंज है। यहाँ पे इनके कुछ फैमिली फोटोज लगे हुए हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो 10 सेकंड स्किप कर सकते हो आप आगे। ये सब लास्ट लेके आया था 4 साल। अच्छा
यहाँ पे इनकी कुछ एग्स वगैरह है, स्टिक्स वगैरह, यहाँ पे उनकी कुछ बर्तन वगैरह है। यहाँ पे भी उनके कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखो काफ़ी अच्छा इनके ये, यहाँ पे अगर आप देखो तो उनके डाइनिंग टेबल्स वगैरह सब पड़े हुए हैं अभी भी। यहाँ पे उनका वो पहले की अलमारी एंड टेबल मिरर पूरा इन्होंने यहाँ पे मस्त बना रखा है। यहाँ पे उनका ये घर किस तरीके से था वो सब है। यहाँ पे अगर देखो आप तो इनके चाय पीने के सामान, कप्स वगैरह, मेडल्स, ये यहाँ पे कुछ अगर आप देखो तो ये इनका पुराना म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पे भी अगर देखो डाइनिंग टेबल है पूरा, यहाँ पे कोई दरवाज़ा है, यहाँ पे भी इनकी कुछ सामान है। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो इनका मेन्यू, दारू के काफ़ी शौकीन थे। थ्री डी पिक्चर है, एक ही क्लास में तीन पिक्चर है, अलग अलग एंगल से। यहाँ पे आप ये देखिए लॉक, थ्री डी पिक्चर है। यहाँ पे स्वॉर्ड्स खड़ी हुई है। यहाँ पे ये 3D पिक्चर है, शायद इसमें नहीं देख पाओ आप, यहाँ से देखो तो ऐसा आएगा एंड यहाँ से देखो तो ऐसा आएगा, बट आपको नहीं दिखेगा आई थिंक, शायद से थोड़ा बहुत दिख जाए आप लोगों को इस ये एंगल से अगर दिखाओ तो। और ये एंगल से अगर हम देखें आई डोंट थिंक सो यहाँ से आपको दिखेगा कैमरा में। यहाँ पे ओल्ड एज की वॉचेस है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है पूरा ये है, इसमें सारी वॉचेस ही पड़ी है। ये कुछ यूनिक वॉच दिख रही है, सारी वॉचेस ही है यहाँ पे। वॉचेस का कलेक्शन चाहिए आपको तो यहाँ पे आ जाओ, लेके जाने नहीं मिलेगा बट आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक यूनिक वॉचेस है यहाँ पे, काफ़ी यूनिक वॉचेस है। यहाँ पे भी अगर आप देखो काफ़ी सारी वॉचेस है, काफ़ी सारी वॉचेस है। ये ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी कलेक्शन थे वो टाइम के, इनने सारे सब रखे हुए हैं वो कलेक्शन में अपने, जो भी टॉप ब्रांड्स थी वो टाइम पे, वो सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड से इन्होंने वॉचेस यहाँ पे स्टोर की हुई है।
ये यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी यूनिक यूनिक टाइप की वॉचेस हैं। खिलौना नहीं है ये, सारे एयरक्राफ्ट उनके पास थे पहले, ये सारी कलेक्शंस इनके पास थे। सो हियर वी एंड उमेद भवन पैलेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे। टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।